कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनिल अंबानी के खिलाफ लगातार हमले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल डील में घोटाला किया है और इस घोटाले का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला है और नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के साथ मिलकर यह घोटाला करवाया है। जहाँ अनिल अंबानी के खिलाफ कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी बात यह है और हंसी की बात भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनिल अंबानी का जो बचाव कर रहे हैं वो कपिल सिब्बल ही हैं, यानी कि अनिल अंबानी के वकील भी कपिल सिब्बल और कोर्ट के बाहर अनिल अंबानी पर हमला करने वाले भी कपिल सिब्बल। तो ये चीज़ हमें दिखाती है देश की आम जनता को कि इन नेताओं के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ दे सकता है तो वो आप खुद हैं। सरकारें सिर्फ दो चार आपके लिए डेवलपमेंट की योजनाएं ला सकती हैं, ये राजनीति में ध्यान लगाकर ये आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर सकती है। राजनीति का काम हो चुका है लोगों की विचारधारा को बदलना। जिस तरह से कपिल सिब्बल अनिल अंबानी को डिफाइन करते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर अगर कहते हैं कि अनिल अंबानी ने घोटाला किया है, ये बात दिखाने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश की जनता कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो इसके बावजूद इन नेताओं का भरोसा करती है। ये वही कपिल सिब्बल है जो बीजेपी से पूछते हैं कि आप राम मंदिर कब बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर वो विवादित जगह है। तो इन तरह की चीज़ें हमारी देश की जनता को समझनी चाहिए कि इस तरह के नेताओं को हम कब तक जिताते रहेंगे, इस तरह के लोगों को हम कब तक अपना नेता मानते रहेंगे। क्योंकि जब तक हम इस तरह के लोगों को अपना नेता मानते रहेंगे, इस तरह के लोग नेता बनते रहेंगे और जब तक इस तरह के नेता बनते रहेंगे तब तक इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। इस तरह के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं। एक तरफ जहाँ वकील कपिल सिब्बल अपने प्रोफेशनल में पैसा कमाते हैं अपने क्लाइंट बनाकर, वहीं पॉलिटिशियन कपिल सिब्बल किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं विपक्षी पार्टी पर हमले बोल के, और तो और वो चाहे खुद ही उसी काम को रोक रही हो। ये है राजनीति। एक तरफ जहाँ दंगाई दंगे करवा कर कहते हैं कि सरकार ने दंगा करवा दिया, हमारा देश वो देश है जहाँ पर दंगे भी राजनीति से होते हैं और इन सभी चीज़ों की वजह से आज हमारा देश अब तक इतना पीछे है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।